दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल अनमोल आयुर्वेदा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए घुटनों के दर्द के लिए एक बहुत ही अचूक आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा लेकर के आया हूं। दोस्तों घुटनों में दर्द कई वजह से हो सकता है। अगर आपका वजन बहुत ही ज़्यादा है तो आपके घुटने के ऊपर बार बार दबाव पड़ता है तो इससे भी आपके घुटनों का दर्द शुरू हो सकता है। साथ दोस्तों घुटनों के दर्द होने की एक उम्र भी वजह होती है, यानी अगर आपकी उम्र 70 साल 50 साल से अधिक हो गई है तो आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। तो फिलहाल के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो नुस्खा लेकर गया हूँ वह नुस्खा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप इसका प्रयोग किसी भी समय कर सकते हैं, बहुत ही कम खर्च में आप इसको बना भी सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में कई तरह के ऐसे नुस्खे हैं जो बेहद सस्ते आते हैं, आप इन्हें बहुत ही कम खर्च में बना सकते हैं, इन्हें आजमा सकते हैं। और दोस्तों निश्चित तौर पर अगर आप सही मात्रा में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो चाहे कोई भी परेशानी हो। आयुर्वेद में जितने भी नुस्खे हैं उनका प्रभाव अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब आप सही निर्देश के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट निश्चित तौर पर अच्छा ही मिलता है। तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो की जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है ये दोस्तों सेंधा नमक को। सेंधा नमक दर्द को कम करता है, क्योंकि दोस्तों सेंधा नमक के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो कि दोस्तों जब भी आप इसका प्रयोग अपने घुटनों के दर्द के ऊपर करते हैं तो वहां के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे कि वहां पर अगर सूजन पड़ गया है तो सूजन को भी कम करता है, साथ ही दर्द को दूर कर देता है। तो सेंधा नमक का प्रयोग अगर आप ज्वाइंट पेन के लिए कर रहे हैं, घुटनों के दर्द के ऊपर कर रहे हैं, या फिर कमर के दर्द के ऊपर कर रहे हैं, एड़ी के दर्द के ऊपर कर रहे हैं, तो इसको इस्तेमाल में लाने के लिए दो तरीके बताए गए हैं, तो मैं यहाँ पर दोनों तरीके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वो क्या करना है, आपको जाना है पंसारी के पास और इस तरह के सेंधा नमक को लेकर के आइए जो कि बिल्कुल खड़ा हो, और आपको इससे बहुत ही बारीक पीस लेनी है। आपको इस तरह से पिसा हुआ सेंधा नमक नहीं लानी है, हो सकता है इसके अंदर कुछ मिलावट हो तो आपको उतना असर नहीं मिलेगा जितना कि आपको इस तरह के नमक को ला करके पीस लेते हैं तो जितना आपको असर इसका मिलेगा। तो सबसे पहले वो क्या करना है, आपको सेंधा नमक को ला करके कुछ इस तरह से पीस लेनी है। पीसने के बाद सबसे पहला जो उपाय है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर लेना है गर्म पानी को, आप थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लीजिए, कुछ इस तरह से आप पानी को यहाँ पर ले लीजिए। पानी को लेने के बाद आपको यहाँ पर इस सेंधा नमक को ले करके इस पानी में डाल देनी है, एक चम्मच जितना आप इस पानी में डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिलाइए। जितना आप पानी को सह सकते हैं उतना ही पानी को गर्म कीजिए। जब यह पानी में इस तरह से घुल जाए तो आपको इस पानी को लेकर के दोस्तों सिकाई करनी है। इस तरह से आप बाज़ार से रुमाल ले लीजिए या फिर छोटा सा कोई तौलिया ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए और इसमें इस तरह से डिप कीजिए और अपने ज्वाइंट पेन पर इसे ले जा करके वहाँ पर इस तरह से रखिए। जितना आप सहन कर सकते हैं गर्म उतना ही रखिए और इस तरह से रखिए। लगातार एक बार में अगर आप इसको इस्तेमाल में ला रहे हैं तो 10 से 15 बार इसकी सिकाई कीजिए। आप अपने अनुसार एक समय तय कर लीजिए कि आपको सिकाई कब करनी है, दोपहर में करनी है, शाम में करनी है या फिर रात में करनी है। आप एक समय बांध लीजिए और उस समय इसकी सिकाई कीजिए। लगातार कुछ दिनों तक करके देखिए, इस सेंधा नमक का कमाल है, आपके ज्वाइंट पेन में बहुत ही ज़्यादा असर करेगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे उपाय के बारे में। तो आपको क्या करना है, आपको पीसा हुआ सेंधा नमक ही लेनी है और लेने के बाद जब आप स्नान करने जाते हैं तो आपको उस पानी में इसको डाल देनी है और आपको उस पानी से स्नान कर लेनी है। इससे क्या होगा, यह वात रोग को ठीक करेगा, गठिया की समस्या है उसे भी ठीक करेगा, कमर दर्द को मिटाएगा, एड़ी के दर्द को मिटाएगा। तो आप इस तरह से इसका भी प्रयोग करके देख सकते हैं। इन दोनों तरीके में जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप उनका प्रयोग करके देखिए। आपके गठिया का दर्द हो, साइटिका हो, या फिर घुटनों का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, कमर का दर्द हो, बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगा। तो आप सिकाई किसी भी अंग का कर सकते हैं। तो
तो आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।